हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आया हूँ एपिसोड 2। हम पहले एपिसोड में हमने बात की अपने पैनिक अटैक के बारे में कि अपन पैनिक अटैक को, जब पैनिक अटैक आ रहा हो तो उससे कैसे बाहर आना है, और आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी पर। कई बार ओसीडी में भी आपको पैनिक अटैक देखने को मिलेगा। अगर पैनिक अटैक आपको आते हैं ओसीडी के साथ में, अगर आपको पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है तो आप मेरा पहला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओसीडी क्या है? ओसीडी बेसिकली एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें एंजाइटी बहुत कॉमन होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही आता है ओसीडी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में एक ही तरह के थॉट बार बार दिमाग में आते हैं। व्यक्ति उन विचारों के कारण कोई कंपल्सन्स करने लगता है, यानी कि एक ही तरह का व्यवहार वो बार बार करता है। जैसे बहुत कॉमन है ओसीडी में, बहुत कॉमन सिम्टम्स जो है वो है जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार ताला चेक करना, बहुत ज़्यादा साफ सफाई करना, बहुत ज़्यादा परफेक्शन पसंद करना, चीज़ों को ऑर्डर में करना, काउंटिंग में करना, ऑड इवन में करना। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स ओसीडी के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और खासतौर पर कुछ ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं जिसमें उससे कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जिनको वो वैलिडेट कराना चाहता है, या उससे पूछेगा दूसरों से कि मैं सोच रहा हूँ सही है गलत है, मैंने आपसे कुछ गलत तो नहीं कह दिया है। उसको बार बार अर्ज उठती है इस चीज़ की, तो बहुत सोशल सिचुएशन को बहुत अवॉइड करता है वो, कि उसको लगता है मैं किसी को गलत तरीके टच ना कर दूँ, मैं किसी को कुछ बोल ना दूँ। कई बार इसमें बहुत सेक्चुअल थॉट्स, ऑब्सेसिव सेक्चुअल थॉट्स भी आते हैं। कई बार रिलीजियस थॉट्स आते हैं गॉड को लेकर, या हमारे स्पिरिचुअलिटी को लेकर कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं उसके, जिसमें वो रिपीटेटिवली उसको आते हैं, उससे वो गिल्ट महसूस करता है। ओसीडी को वैसे गिल्ट की बीमारी भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति बहुत गिल्ट महसूस करता है। ये सुपर ईगो की प्रॉब्लम है, सुपर ईगो की बीमारी भी कहा जाता है इसको। सुपर ईगो क्या है? आप अगर फ्राइड की साइको एनालिसिस थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि साइको एनालिसिस क्या कहता है ओसीडी के बारे में। तो हम एक बहुत सिंपल सी बात है, अच्छा ओसीडी वाले लोगों को ये थोड़ी सी जान लेना जरूरी है। मैं खासतौर पर साइको एनालिसिस की बात करूंगा। साइको एनालिसिस के बारे में आप जानेंगे तो अपनी ओसीडी के बारे में आप समझ पाएंगे कि ओसीडी कैसे पैदा होती है, इसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। दूसरा, बिहेवियर थ्योरी के बारे में, तो बिहेवियर थ्योरी क्या कहती है ओसीडी के बारे में वो मैं बताऊंगा, तो आप ये समझ पाएंगे कि ओसीडी कैसे पैदा होती है और उसके सॉल्यूशंस भी बिहेवियर थेरेपी के द्वारा कैसे किए जा सकते हैं। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। साइकोलिसिस में फ्राइड ने मन के तीन हिस्से किए हैं। इसमें उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो तीन हिस्सों में बांटा है। हमारे मन के तीन हिस्से हैं जिसमें खासतौर पर जो इड है वो एक तरह का एक एनिमल डिजायर, जो एक एनिमल इंस्टिंक्ट होती है लोगों के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक जानवर भी मौजूद है, हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि वो अपनी सिर्फ फिजिकल नीड्स को पूरा करना चाहता है, खाना पीना सेक्स ये सब उसमें आ जाता है। दूसरा हमारे मन का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो बेसिकली हमारे जो हमारे ट्रेडिशन है, हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारी जो मोरलिटी है, हमारे जो सोशली एक्सेप्टेड जो नॉर्म्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ईगो इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई चलती रहती है, ईगो उसको बैलेंस करता है। जब वो ईगो मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है तो लोग या तो इट की तरफ चले जाते हैं, तो लोगों में कुछ इट से संबंधित डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, या वो सुपर ईगो की तरफ चले जाते हैं तो उन्होंने सुपर ईगो की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इट वाले लोगों में जैसे हम क्राइम जो लोग कर रहे हैं या जो एडिक्शन में है, वो कहीं ना कहीं उस इट इंस्टिंक्ट उन पर बहुत ज़्यादा हावी है। दूसरा, जो सुपर ईगो वाले लोग हैं वो ओसीडी की तरफ चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए, हर चीज़ सही होनी चाहिए, सिद्धांतिक होना चाहिए। तो सुपर ईगो में बेसिकली हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारे जो कल्चर हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ओसीडी सुपर ईगो की बीमारी है। जब वो थोड़ा भी गलत करता है तो उसको बहुत गिल्ट होता है। उस गिल्ट की वजह से उसमें अंदर नेगेटिविटी आती है, डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आते हैं, एंजाइटी वाले सिम्टम्स आते हैं। वो सबकॉन्शियसली उन गलतियों को करेक्ट करना चाहता है, तो उसके अंदर कुछ फिजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, उसमें कुछ कंपल्सन्स डेवलप हो जाते हैं, ऑब्सेसिव थॉट डेवलप हो जाते हैं, तो उससे ओसीडी आगे बिहेवियर का एक पैटर्न डेवलप कर लेती है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। अब बिहेवियर थ्योरी इसमें क्या कहती है? बिहेवियर थ्योरी इसमें ये बताती है कि हम कोई भी व्यक्ति कोई व्यवहार करता है तो वो रिवार्ड या पनिशमेंट की वजह से वो बिहेवियर उसका बढ़ता है। जब किसी चीज़ को पनिश किया जाता है तो बिहेवियर कम होता है, और जब किसी बिहेवियर को रिवार्ड दिया जाता है तो बिहेवियर बढ़ता है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, डॉग का एक्सपेरिमेंट है, पेवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी। उसमें एक डॉग को भूखा रखा जाता है और एक बार घंटी बजाई जाती है, फिर खाना दिया जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही करते हैं, तो कुछ देर बाद ये होता है कि जैसे ही घंटी बजती है कुत्ते मुँह से लार गिरने लगती है। बाद में ये होता है कि घंटी तो बजाते हैं पर खाना नहीं देते, तो कुत्ते मुँह से फिर भी लार गिरने लगती है।
अब जब भी घंटी बजती है कुत्ते मुंह से लार आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ये एक तरह का एसोसिएशन है, एक तरह की कंडीशनिंग है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। घंटी जैसी बजेगी कुत्ते मुंह से लार गिरेगी। ऐसे ही हम ओसीडी को अगर हम समझे, कोई सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन से हमको वो थॉट आएगा, उस थॉट की वजह से हम कोई बिहेवियर करेंगे। वो रेनफोर्स हुआ है। कैसे रेनफोर्स हुआ है? जो अनप्लेजेंट थॉट है या फीलिंग है उसको वो हटा देना चाहता है, तो उस बिहेवियर को वो करता है। क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद आई ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने चूहे पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक चूहे को एक बॉक्स में रखा और चूहे को भूखा रखा गया। उस बॉक्स में एक लीवर था, जब वो लीवर दबता था तो उसमें से फूड गिरता था। तो चूहा पहले ट्रायल एंड एरर से करता रहा चीज़ों को, चूहे को समझ में आ गया। और फिर जब भी उसको फूड चाहिए होता है उस लीवर को दबाता है और उसको फूड मिल जाता है, यानी कि वो रिवार्ड से सीखा। तो ऐसे ही ओसीडी में भी आपको समझना पड़ेगा कि हम रिवार्ड और पनिशमेंट से कैसे हमारी ओसीडी डेवलप होती है। कोई थॉट हमको जब आता है और वो हमारे अंदर कोई अनप्लेजेंट कंडीशन पैदा करता है, तो उस अनप्लेजेंट कंडीशन से बाहर आने के लिए कोई बिहेवियर करते हैं, कोई कंपल्सन करते हैं, तो वो हमारी जो एंजाइटी है, जो एक रेस्टलेसनेस थी, जो बेचैनी थी, वो कम हो जाती है। तो वो एक रिवार्ड की तरह हमको मिलता है, तो हम उस बिहेवियर से भागते हैं क्योंकि वो हमको उससे पनिशमेंट जैसा लग रहा है। तो जब पनिशमेंट मिलता है तो हम उससे उस बिहेवियर को नहीं करना चाहते, उससे हम अपने को हटा लेना चाहते हैं। और जब वो रेनफोर्स होता है, पॉजिटिव रिवार्ड जब उसको मिलता है, तो बिहेवियर बढ़ता है, तो हम वो कंपल्सन बढ़ते चले जाते हैं। वो टेम्परेरी है। जब भी आप कोई थॉट आपको आएगा उसकी वजह से कोई कंपल्सन करेंगे, उससे जो आपको रिलीफ मिलेगा वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अपने उस बिहेवियर को चेंज करना है। हम आपको डॉग वाले एग्जांपल से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा समझ लो आपकी वो कंडीशनिंग है, घंटी, खाना और लार। खाना हट जाता है, सिर्फ घंटी और लार रह जाती है। जब भी घंटी बजती कुत्ते मुझसे लार गिरने लगती है। तो आप उस कंडीशनिंग को तोड़ना है तो क्या तरीका हो सकता है? उसका तरीका ये होता है कि उस बिहेवियर को, उस घंटी को बार बार बजाया जाए, वो लार कब तक गिरेगी? थोड़ी देर बाद कुत्ते की वो कंडीशनिंग खत्म हो जाएगी, घंटी बजेगी लेकिन फिर कुत्ते की लार गिरना बंद हो जाएगी। तो यानी कि जो बिहेवियर आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप हाथों को धो रहे हो, बार बार हाथ धो रहे हो, या आप कोई रिचुअल बार बार कर रहे हो और उससे आपको रिलीफ मिल रहा है, तो आप उस रिचुअल्स को बंद कर दो, उसको रेनफोर्स करना बंद कर दो। उस बिहेवियर को होने दो, एक एंजाइटी आपके अंदर डेवलप होगी, आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस होगी जो थोड़ी देर बाद अपने आप चली जाएगी। तो अपने को उस बिहेवियर को बढ़ाने के लिए रिवार्ड देना है। रिवार्ड देना है मतलब जब आप किसी कंपल्सन कंट्रोल कर पाते हो तो अपने को कुछ रेटिंग दो, अपने को कुछ अच्छा फील कराने के लिए खुद को एक गिफ्ट दो, उससे आपका बिहेवियर कंट्रोल होने लगेगा। ओसीडी में खास तौर पर एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा एडवाइस किया जाता है। एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन बहुत सारे लोग समझते हैं, करते भी हैं। उसमें सबसे बड़ी गलती से भी होती है कि उसमें हम रिलैक्सेशन को अच्छे तरीके से नहीं करते। रिलैक्सेशन पहले करिए, कुछ दिनों तक सिर्फ रिलैक्सेशन करिए। जब आपकी एंजाइटी थोड़ी कंट्रोल में आएगी तब आप एक्सपोजर करिए, यानी कि उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को सामना करने की कोशिश करिए जिसकी वजह से ओसीडी पैदा होती है, और उसको रेट करिए। पहले जब आप उसका सामना कर रहे थे तो कितनी एंजाइटी हो रही थी, फिर आपने रिलैक्सेशन किया, फिर उसका सामना किया तो आपकी एंजाइटी कितनी हुई, जब बार बार आपने किया तो उससे एंजाइटी कितनी कम हुई, उसको आप रेट करेंगे तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, अंतर महसूस कर पाएंगे। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि हमको एंजाइटी पहले भी होती थी, एंजाइटी अभी हो रही है, आप अंतर को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो रिलैक्सेशन का उपयोग करें और सामना करें। ओसीडी से रिलेटेड कुछ और बातें, महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, कि हम जब कोई कंपल्सन आ रहा है, जब कोई थॉट आ रहा है, तो उस समय हमें क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।